वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन 278 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। हल्का सा यहाँ पे देख सकते 83.83% ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। तो मार्केट कैप देख सकते चेन्नई पेट्रोल स्टॉक की तो 4142 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बुक वैल्यू जो है रुपीज 187 का है। डिविडेंड की बात किया तो डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। आरओसी देख सकते हैं 19.8% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 55.7% का है। फेस वैल्यू रुपीज 10 का है। कंपनी के ऊपर टोटल लोन देखा जाए तो 9238 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जो देखा जाए तो 1342 करोड़ का है। ईपीएस भी देख सकते हैं 90.2 का है। सेल्स की बात किया तो 43,000 करोड़ के सेल्स हो चुके थे। टोटल एसेट भी देख सकते हैं 17,399 करोड़ के है। प्रोमोटो होल्डिंग 67.3% के है जो कि अच्छे खासे प्रोमोटो होल्डिंग है और उसमें शेयर्स प्लेज नहीं है। एक साल में 125% का रिटर्न दे चुका है चेन्नई पेट्रोल स्टॉक। तो चार्ट में देख सकते हैं रिसेंटली एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। तकरीबन फेब्रुवरी मंथ से अच्छी तेजी देखने को मिली थी। रिसेंटली फिर से गिरावट स्टॉक में देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि कंपनी आने वाले क्वार्टर के नतीजे अच्छे देने के चांसेस दिखाई दे रहे और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं कंपनी ने पोस्ट सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों से माइनस में ही है और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट चेन्नई पेट्रोल स्टॉक के लिए।